एक्सरसाइज 17.1 14 कॉम्बिनेशन टू किसका वैल्यू निकालना है, 14 कॉम्बिनेशन टू ओ 3 एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस मतलब फैक्टोरियल 14 बटा फैक्टोरियल 3, 14 माइनस 3 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 11, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 28 गुना 13, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एक देखिए n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन k, अगर ऐसा रहेगा n कॉम्बिनेशन r बराबर n कॉम्बिनेशन k, तो n बराबर होता है r प्लस k, n बराबर क्या होता है, जैसे ये मैथ्स, जैसे ये जब भी आएगा तो कंपटीशन में आएगा, कहाँ आएगा, कंपटीशन में आएगा 11th क्लास का, तो इसको इस ढंग से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। n कॉम्बिनेशन r बराबर n कॉम्बिनेशन k, तो n बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस k। वन का फाइव, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, सम, एड, और यहाँ पर कह रहा है r बराबर 1 से लेकर 5 तक, 5 कॉम्बिनेशन कितना, तो r का वैल्यू पुट करेंगे पहले 1, फिर प्लस पुट करेंगे 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 4, प्लस 5 कॉम्बिनेशन, ये प्लस 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 के लिए क्या चीज़, सिग्मा, और इसको देखिए ब्रेक कर दीजिएगा, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0, ये कट जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 2 इंटू 1, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पाँच प्लस 10 प्लस 10 क्या ऐड हो जाएगा, कह रहे हैं n का वैल्यू निकालना है, n कॉम्बिनेशन 12 बराबर n कॉम्बिनेशन 5, तो n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर कितना हो गया, 12 प्लस, कोई दिक्कत, n कॉम्बिनेशन 4 बराबर n कॉम्बिनेशन 6, तो फाइंड करना है n यानी 12 कॉम्बिनेशन n, क्या फाइंड करना है, 12 कॉम्बिनेशन n, n कॉम्बिनेशन 4
बराबर एन कॉम्बिनेशन सिक्स, तो फाइन ट्वेल्व कॉम्बिनेशन एन, एन बराबर फोर प्लस सिक्स बराबर कितना हो जाएगा ट्वेल्व कॉम्बिनेशन एन, ट्वेल्व कॉम्बिनेशन टेन फैक्टोरियल ट्वेल्व बटा फैक्टोरियल टेन, फैक्टोरियल ट्वेल्व माइनस टेन बराबर कितना हो जाएगा ट्वेल्व इंटू एलेवन इंटू फैक्टोरियल टेन बटा फैक्टोरियल टेन, टू इंटू वन, ये दोनों कट जाएगा, समझी पलक। आपकी फ्रेंड तो चली गई, मिटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एन कॉम्बिनेशन टेन एन कॉम्बिनेशन ट्वेल्व,
फाइंड 23 कॉम्बिनेशन एन, बनेगा आप लोग से? कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बना सकते हैं इसको? तुमसे बन जाएगा मुस्कान, बना के दिखाओ तो। नहीं, बोर्ड पर बनाइए। कोई पर ही बना के दिखाइए। एन कॉम्बिनेशन 10 बराबर एन कॉम्बिनेशन 12, फाइंड 23 कॉम्बिनेशन एन। बन गया, बना दे कि बन जाएगा आप लोग से? तुमसे दीपा बना। यहां से x का वैल्यू निकालना है केवल, निकल जाएगा। मतलब 24 बराबर x प्लस 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सेवन भी देखिए इसी ढंग का है, बन जाएगा ना। सिक्स भी देखिए बन जाना चाहिए। देखिए 18 बराबर x प्लस टू बराबर हो जाएगा 2x, 16 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर 8। 7 भी देखिए यही क्वेश्चन है, 8 नंबर देखिए, 8 कॉम्बिनेशन r, 7 कॉम्बिनेशन 3 बराबर 7 कॉम्बिनेशन 2, तो इसमें r का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? तो 8 कॉम्बिनेशन r बराबर 7 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 7 कॉम्बिनेशन, तो फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 7 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 8 माइनस r, फैक्टोरियल 7 कॉमन, 1 बटा फैक्टोरियल 2, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 को ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि 5 का ब्रेक करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचा 1, 3 को ब्रेक करेंगे 2 आ जाएगा, और ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 8 माइनस, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, 1 बटा 5 प्लस 1 बाई 3, तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस, फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, और एलसीएम बताइए 5 इंटू, तो 3 प्लस 5, 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 8, आर 5 और 3 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो यहां पर 8 इंटू फैक्टोरियल से ये दोनों कट जाना चाहिए, तो 1 बटा फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल 8 माइनस r,
वन बटा थ्री इंटू फैक्टोरियल टू को लिख सकते हैं फैक्टोरियल थ्री, फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर को क्या लिख सकते हैं, और ये इसके बराबर करिए, इसके बराबर करिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यहाँ आर बराबर कितना आ जाएगा। एक और होता है जैसे एट कॉम्बिनेशन आर है और सेवन कॉम्बिनेशन टू प्लस सेवन कॉम्बिनेशन थ्री है, इसमें कितना टर्म इंक्रीज हुआ है, एक टर्म, दो टर्म है ना इसमें, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जितना रहेगा जैसे दो रहेगा तीन रहेगा तो तीन ऐड करना, मतलब सेवन प्लस वन कॉम्बिनेशन थ्री मैक्सिमम वाला, क्या चीज़ वाला, मैक्सिमम वाला, ऊपर में एक ऐड करिएगा नीचे में मैक्सिमम वाला, तो एट कॉम्बिनेशन आर बराबर हो जाएगा कितना, सात और एक आठ कॉम्बिनेशन थ्री, और ये ऐसा सिचुएशन रहेगा तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आर बराबर कितना आएगा, किस समय करना आर बराबर थ्री, समझ गए ना। ये लेफ्ट साइड में डाल सकते हैं इसको, फिफ्टीन कॉम्बिनेशन आर रेशियो ट्वेंटी फोर कॉम्बिनेशन टू आर माइनस फोर बराबर, देखिए 15 कॉम्बिनेशन आर रेशियो 15 कॉम्बिनेशन आर माइनस वन बराबर क्या दिया हुआ है, 11 बटा 5 फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल 15 माइनस आर, रेशियो का मतलब डिवाइड, फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल आर माइनस वन, 15 माइनस आर प्लस वन बराबर 11 बटा फैक्टोरियल 15 बटा फैक्टोरियल आर, 15 माइनस आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर माइनस वन, 16 माइनस आर बटा फैक्टोरियल 11 बटा, ये दोनों कट जाएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल 16 माइनस आर में 1 माइनस करिएगा तो 15 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, फैक्टोरियल 15 माइनस आर बराबर 11 बटा, ये दोनों कट जाएगा, 16 माइनस आर बटा आर बराबर 11 बटा 16 पचे 80, 5 आर बराबर 11 आर, 80 बराबर हो जाएगा 16 आर, 5 यानी आर बराबर कितना हो गया है, कोई प्रॉब्लम, समझे आप लोग, इधर मिटा सकते हैं,
मिटा सकते हैं सेट, राइट सेट। ओ मतलब कि अगर इस ढंग के कंबाइंड में ऐड करेंगे ना, अगर बहुत सारा रहेगा कॉम्बिनेशन, तो उसको एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए, 2 3 1 वगैरह, 2 3 4 5, तो ये इसके बराबर करना, वैसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, इसका दोनों वैल्यू आएगा, एक आर 8 - r बराबर 5 करेगी, इसको एक इसके बराबर करेगी तो फिर इसको इसके बराबर करेगी तो आ जाएगा। देखिए 10 11 से लेकर के 11 तक सेम है, राइट ना, देखिए n कॉम्बिनेशन 4, n कॉम्बिनेशन 5, n कॉम्बिनेशन 6 आर इन एपी, तो एपी का कंडीशन अप्लाई करेंगे। एपी का कंडीशन क्या होता है, T2 - T1 बराबर T3 - n कॉम्बिनेशन 5, n कॉम्बिनेशन 4, n कॉम्बिनेशन 6 माइनस n कॉम्बिनेशन, तो 2 × n कॉम्बिनेशन 5 बराबर n कॉम्बिनेशन 6 प्लस n कॉम्बिनेशन 4, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल n माइनस 6, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n माइनस 4, 2 × फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n कॉमन, तो 1 / फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल n माइनस 6, 1 / फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल n माइनस 4, ये देखिए इसे कट जाएगा, 2 / फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n माइनस 5, 1 / फैक्टोरियल 6 * n माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस 1 / फैक्टोरियल 4 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। देखिए 6 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 6 को ब्रेक करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 / 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 प्लस 1 / फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 6। फाइव इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 और कॉमन ले लेंगे 1 / फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 1 / n माइनस 4 n माइनस 5 और ये देखिए आसानी से कट जाएगा ना 2 / 5 n माइनस 5 को ब्रेक करिए n माइनस 5 * फैक्टोरियल n माइनस 6 हो जाएगा बराबर 1 / फैक्टोरियल n माइनस 6 LCM 30 * n माइनस 4 * n माइनस 5 तो n माइनस 4 * n माइनस 5 प्लस 30 ये दोनों कट जाएगा 2 / 5 मल्टीप्लाई n स्क्वायर - 5 n - 4 n + 20
प्लस 3030 और 5 6 30 और उसके बाद 6 2 12 इंटू एन माइनस 4 एन स्क्वायर माइनस 9 एन प्लस 50 12 एन माइनस 48 एन स्क्वायर माइनस 9 एन प्लस 50 कोई दिक्कत ये 0 एन स्क्वायर माइनस 9 एन माइनस 12 एन प्लस 50 प्लस 48 एन स्क्वायर 12 8 20 और 1 21 और 8 7 और 14 में फैक्टराइज हो रहा है कर देंगे कर लीजिएगा एन कॉमन एन माइनस 14 आप लोग इतना भी बनाइए बालक इतना लेजी मत बनिए अब यहां से निकाल सकता है ना इनका ये लेफ्ट साइड मिटा सकते हैं ना अभी एक्सरसाइज बन जाना चाहिए इसमें विशेष कुछ तो है नहीं नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट है इससे ज्यादा कुछ है नहीं और नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.2 में ओनली 33 क्वेश्चन है जल्दी लिखिए मिटा सकते हैं मिटा सकते हैं बालक
एक्सरसाइज 17.2 देख, क्वेश्चन नंबर वन बतावे। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर, मतलब एक ग्रुप में कितना क्रिकेट प्लेयर है? 15 प्लेयर। ए टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड, मतलब 11 प्लेयर के एक टीम बनाना है। 11 प्लेयर के क्या बनाना है? टीम बनाना है। इन हाउ मेनी कैन दिस बी डन, तो इसको कितने तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं? 15 कॉम्बिनेशन 11, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी डिफरेंट बोट पार्टीज ऑफ 8, मतलब 8 को बोट पार्टीज के लिए सेलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट कितना लोगों को करना है? 8, जिसमें होना चाहिए 5 boys and 3 girls, और ये 8 में से क्या क्या होना चाहिए? 5 boys होना चाहिए और 3 girls होना चाहिए। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट बोट पार्टीज ऑफ 8 कंसिस्टिंग ऑफ 5 boys and 3 girls कैन बी मेड फ्रॉम 25 boys and 10 girls, मतलब बॉयज टोटल कितना दिया हुआ है? 25, और गर्ल्स कह रहा है 25 लड़के और 10 लड़कियां में 8 को बोट पार्टीज के लिए सेलेक्ट करना है, जिसमें 5 boys and 3 girls होना चाहिए। तो बे बराबर बताइए 25 combination 5 और 10 combination कितना? क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी बे कैन ए स्टूडेंट बी सेलेक्ट 5 कोर्स, एक स्टूडेंट को कितना कोर्स सेलेक्ट करना है? करें इन हाउ मेनी बे कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट 5 कोर्स आउट ऑफ 9 कोर्स, मतलब टोटल कोर्स कितना दिया हुआ है? टोटल 9 दिया हुआ है, जिसमें 5 कोर्स को सेलेक्ट करना है। कितना कोर्स को सेलेक्ट करना है? 5 कोर्स को सेलेक्ट करना है। इफ 2 कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 2 गो हमेशा कंपल्सरी है। तो बताइए 9 minus 2 combination 5 minus 2, बताए थे ना, याद है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इन हाउ मेनी बे कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड, कह रहा है एक फुटबॉल टीम को बनाने के लिए कितना प्लेयर को सेलेक्ट करना है? 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम 16 प्लेयर्स, और प्लेयर्स कितना दिया हुआ है? इन हाउ मेनी बे कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर, हाउ मेनी ऑफ दिस बिल, कितने तरीका से आप सेलेक्ट कर सकते हैं? पहला में कह रहा है इंक्लूड 2 particular players, मतलब दो जो है प्लेयर हमेशा क्या रहता है? साथ रहता है। तो बताए थे ना आप लोग को 16 minus 2 combination 11 minus = 14 combination, और सेकेंड में कह रहा है एक्सक्लूड 2 particular players, मतलब 2 गो एक्सक्लूड रहता है। तो 16 minus 2 combination कितना? 11। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है देयर आर 10 professors and 20 students, प्रोफेसर को पी से सेलेक्ट करते हैं, मतलब पी मानते हैं, और 10 professors और स्टूडेंट्स 20, करें 10 professors और 20 students, आउट ऑफ होम कमेटी ऑफ 2 professors and 3 students, एक कमेटी बनाना है। एक क्या बनाना है? कमेटी बनाना है, मतलब एक कमेटी बनाना है जिसमें 2 professors and 3 students, 3 क्या होना चाहिए? स्टूडेंट। तो बनाइए 10 combination 2 और 20 combination 3, कोई दिक्कत?
और इसमें कह दिया ए पार्टिकुलर, पहला में कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच कैन दिस बी डन, फर्दर फाइंड द हाउ मेनी ऑफ दिज कमिटीज। पहला में कह रहा ए पार्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूड, एक पार्टिकुलर प्रोफेसर हमेशा क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। तो 10 माइनस 1 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 1 तो 20 कॉम्बिनेशन कितना। और इसी में सेकेंड में कह रहा है ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूड, तो स्टूडेंट वाला में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10 कॉम्बिनेशन 2 20 माइनस 1 3 माइनस 1। और इसी में तीसरा क्वेश्चन कह दिया ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूड, तो स्टूडेंट वाला हम के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6, फोर नंबर एक्सक्लूड का मतलब होता है हमेशा साथ ना हो, तो दो ऊपर केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे 16 प्लेयर में, दो प्लेयर को भगा देंगे। इंक्लूड था बालक, अब एक्सक्लूड वाला बनाई भी नहीं किए, अरे ऊपर केवल माइनस करना है। 10 कॉम्बिनेशन 2 20 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 19 कॉम्बिनेशन 3। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी मल्टीप्लाई 2 और मोर 3 नंबर, मतलब कितना कितना वाला बनाना है, 3 नंबर 2 नंबर वाला और डिजिट दिया हुआ है। थ्री फाइव सेवन और 11, तो बे बराबर बताइए, कह रहा है दो वाला ही बनाना है और 2 और मोर मतलब 2 या 2 से अधिक, तो दो से देखिए 5 4 में से 2 को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद 4 में से कितना सेलेक्ट करेंगे 3, उसके बाद 4 में से 4, क्या इससे ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या कह रहा है 4 को डिजिट है और 4 डिजिट में से कह रहा है 2 या 2 से अधिक डिजिट का नंबर बनाओ, 2 या 2 से अधिक डिजिट, तो पहले 2 नंबर वाला बनाएंगे तो 4 में से 2, फिर 3 नंबर वाला बनाएंगे फिर 4 नंबर वाला बनाएंगे, क्या 4 में 5 डिजिट वाला बना सकते हैं, समझ में आया, हेलो दिमाग में गया, प्लस क्यों किए, क्योंकि पहला 2 डिजिट वाला बना है फिर 3 डिजिट वाला बना है, अलग अलग नंबर बना है ना, इसलिए प्लस किए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है फ्रॉम देखिए ना फ्रॉम ए क्लास 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, एक क्लास में बॉयज की संख्या कितना है और गर्ल्स, कह रहा है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट आर टू बी सेलेक्टेड फॉर ए कंपटीशन, एक कंपटीशन के लिए कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, एट लीस्ट इंक्लूड 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, मतलब उस कंपटीशन में कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां का होना जरूरी है। अच्छा समझिएगा ये सब क्वेश्चन बालक, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 12 बॉयज और 10 गर्ल्स में कई को सेलेक्ट करना है और उसमें कम से कम 4 लड़के और 4 लड़कियां का होना जरूरी है, तो 4 लड़के और 4 लड़कियां का होना जरूरी है का मतलब 4 लड़के भी हो सकता है, 4 से अधिक भी हो सकता है, 4 गर्ल्स भी हो सकती है 4 से, तो बताइए 12 में से 4 को तो सेलेक्ट कर लेते हैं बॉयज को, अब गर्ल्स कितना सेलेक्ट करेंगे, टोटल सिलेक्शन 10 आ जाएगा, 6 होगा ना, और अगर 12 में सेलेक्ट कर लेते हैं 5 बॉयज को तो गर्ल्स कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 12 में सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस 12 में सेलेक्ट कर लेते हैं 6 4 5 6 तो गर्ल्स कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 12 में सेलेक्ट कर लेते हैं 7 और गर्ल्स कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये संभव, 4 को कम से कम लड़की होना चाहिए, 4 लड़की नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ना,
हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ फोर बुक कैन बी मेड फ्रॉम द 10 डिफरेंट बुक, मतलब टोटल बुक दिया हुआ है कितना, और सेलेक्ट करना है इसमें फोर। अच्छा समझिएगा, पहला में कह रहा है नो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो रिस्ट्रिक्शन है ये नहीं, तो 10 में कितना सेलेक्ट कर लेंगे, चार। दूसरा में रिस्ट्रिक्शन है, कह रहा है टू पार्टिकुलर बुक आर ऑलवेज एक सेलेक्टेड, मतलब दो पार्टिकुलर बुक को हमेशा क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो बताइए 10-2 और 4-2। तीसरा में कह रहा है टू पार्टिकुलर बुक आर नेवर सेलेक्टेड, दो पार्टिकुलर बुक को कभी सेलेक्ट, तो केवल 10 में से 2 घटा देना है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रॉम 4 ऑफिसर 8 जवान, ऑफिसर कितना दिया हुआ है, ऑफिसर 4 जवान्स 8। कह रहा है इन हाउ मेनी बे कैन ए 6 बी सेलेक्टेड, मतलब 6 को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कितना करना है, उसमें कहा दिया है पहला में इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, उसमें एक ऑफिसर होना चाहिए। बताइए 4 कॉम्बिनेशन 1, तो 8 में कितना सेलेक्ट करना है, एक ही ऑफिसर को सेलेक्ट, इंक्लूड एक कह रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है इंक्लूड एग्जैक्टली मतलब जो भी कमेटी बनाना है, जो भी 6 सेलेक्ट करना है, उसमें कितना ऑफिसर होना चाहिए, एक ऑफिसर होना चाहिए, इसीलिए ऊपर और नीचे सब्ट्रैक्ट, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है एग्जैक्टली मतलब केवल एक। 4 कॉम्बिनेशन 1, तो 8 जवान में कितना जवान सेलेक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 10 कर ए स्पोर्ट टीम ऑफ 11 स्टूडेंट बी सेलेक्टेड, यहां इतना नहीं बनेगा, अच्छा समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 10 समझा देते हैं, कर ए स्पोर्ट टीम ऑफ 11 स्टूडेंट बी सेलेक्टेड एटलीस्ट 4 बॉय मतलब एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11, कम से कम 5 कितना होना चाहिए, क्लास 11th का देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th में देखिए और क्लास 12th, कह रहा है क्लास 11th और क्लास 12th में 20-20 स्टूडेंट, और सेलेक्ट करना है कितना स्टूडेंट को, 11 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, कितना स्टूडेंट को, कह रहा है ए स्पोर्ट टीम ऑफ 11 स्टूडेंट बी सेलेक्टेड एटलीस्ट 5 फ्रॉम क्लास 11, एटलीस्ट कम से कम 5 को 11 से होना चाहिए, एटलीस्ट 5 फ्रॉम 12th, और कम से कम 5 को 12th से होना चाहिए, बना देते हैं, मतलब 20 कॉम्बिनेशन 5 फ्रॉम 11th, मतलब 11 से 20 में 5 को सेलेक्ट कर लिए, तो क्लास 12 से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर 20 में 6 सेलेक्ट कर लिए 11 से, तो 12 में कितना, क्या 20 में 7 सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये आपका एक्सरसाइज 1 से लेकर के बना करके आइएगा, 1 से लेकर 20 तक बनाइएगा, 20 तक, कल हम एक्स को समाप्त कर देंगे।